हेलो फ्रेंड्स, इंडियन ट्रैवल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपको स्टोमकार और इस वीडियो में हम चलेंगे पन्ना और वहां पे एक्सप्लोर करेंगे दो वाटरफॉल। पहला बृहस्पति फॉल्स एक्सप्लोर करेंगे, वहाँ भगवान राम आए थे ऋषियों से मिलने, और दूसरा फॉल्स है पांडव फॉल्स, वहाँ पे पांडव की गुफाएं हैं। और पांडवों ने, जैसे कि नाम ही में ही पांडव है, तो आपको वहाँ पे पांडव ने अपना कुछ अज्ञातवास के कुछ समय वहाँ पे काटा था, तो वहाँ पे हम आपको वो भी दिखाएंगे। वही चलते हैं और एक्सप्लोर करते हैं। बृहस्पति खून या बृहस्पति फॉल के नाम से जाना जाता है। काफी प्रोमिनेंट लोकेशन है पन्ना डिस्ट्रिक्ट में, और इसके बारे में और डिटेल्स करंट बताएगा। आप करंट को ऑलरेडी जानते हैं, वो हमारे पीछे कुछ वीडियो जो वाटरफॉल सीरीज की नहीं है वहाँ पे आया था, इसके बारे में और डिटेल आई एम करंट से जानते हैं। बृहस्पति कुंड है और ये पन्ना जिले के पहाड़ी खेड़ा गाँव में स्थित है, और ये एक नेचुरल प्राकृतिक कुंड है। इसको हम कहते हैं कि प्राकृतिक रूप से बना हुआ। इस जगह का नाम जो बृहस्पति कुंड है, ये देवगुरु बृहस्पति ऋषि थे, देवों के गुरु, उनके नाम पर पड़ा। इसका नाम बृहस्पति कुंड है, और बृहस्पति कुंड में भगवान राम भी आ चुके हैं यहाँ पर अपने वनवास के समय। भगवान राम यहाँ पर कई ऋषियों का आश्रम था, उनसे मिलने हैं। जब वो चित्रकूट से आगे निकले तो ऋषियों से मिलने यहाँ पर आए थे, और उन्होंने भी साधना तपस्या करी थी। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप बाघिन वैली, जो कि बाघिन रिवर वैली का नज़ारा आप यहाँ से ले सकते हैं, और बहुत ही मनोरम दृश्य यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। ये पन्ना जिले के पहाड़ी खेड़ा गाँव में स्थित है, और ये पन्ना तो लगभग 40 किलोमीटर दूर है, और पहाड़ी खेड़ा तो 6 किलोमीटर दूर की स्थित है। और आगे कलिंजर किला भी है, जो कि यहाँ से 30 से 35 किलोमीटर दूर है, वहाँ पर भी आप जा सकते हैं। बहुत फेमस है वो, एमपी टूरिज्म की एक फेमस लोकेशन है, जहाँ पर आप जा सकते हैं। एक दिन का समय पन्ना और कलिंजर में आप व्यतीत कर सकते हैं। आगे हम चलेंगे पांडव फॉल्स, जो कि इस समय है पन्ना में, और जहाँ पर पांडवों ने अपने अज्ञातवास में कुछ समय व्यतीत किया था। वहाँ पर पांडव केव्स भी हैं और पांडव फॉल है। बहुत अच्छा मनोरम दृश्य है वहाँ पर, और वाटरफॉल के साथ साथ घूमने की, पिकनिक मनाने की जगह, जो कि पन्ना से 20 किलोमीटर है और यहाँ से 50 किलोमीटर की दूरी पर। आगे हम चलेंगे पांडव फॉल्स, जो कि पन्ना जिले में स्थित है, और ये बृहस्पति कुंड जो आप देख रहे हैं और पांडव फॉल्स, दोनों पन्ना जिले में ही स्थित हैं। और पन्ना अपनी खदानों के लिए फेमस है, जो कि यहाँ पर हीरे की खदान है। साथ ही साथ पूरे विश्व में ये टाइगर रिजर्व के लिए भी फेमस है। पन्ना रिजर्व के टाइगर सबसे ज़्यादा टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश के पन्ना में रहते हैं। गमन मार्ग, क्योंकि बृहस्पति कुंड जाने का रास्ता है, भगवान श्री राम यहाँ से ही गए थे ऋषियों से मिलने अपने वनवास के दौरान। और आगे जो रास्ता दिख रहा है अपने को, ये रास्ता है कलिंजर फोर्ट का। यहाँ से 30 किलोमीटर दूर कलिंजर का किला है, वो भी बहुत अच्छी जगह घूमने की है। और यहाँ से अब हम आगे जाएंगे पांडव फॉल्स पन्ना। ये देखिए कुछ ऐसी दिखती है ये, हम लोग टोटल 4 लोग आए थे, तो ऐसी कुछ टिकट दिखती है। 50 रुपीज़ लगता है बाइक का, इसमें 2 लोग अलाउड होते हैं। कार का लगता है 100 रुपीज़, और पैदल का 25 रुपीज़। वहाँ लिखा हुआ है, ये देखिए सारा टिकटिंग प्राइस यहाँ लिखा हुआ है। पन्ना टाइगर रिजर्व पांडव फॉल, पैदल 25, मोटरसाइकिल 50 रुपये 2 लोग, ऑटो रिक्शा भी 100 रुपये 3 लोग, जो हल्के वाहन हैं उनका 150 रुपये 4 लोग उसमें आ सकते हैं, और मिनी बस में 300 रुपये 5 लोग। यहाँ पर कोई और इन्फॉर्मेशन दी गई है, गाइड जाना अनिवार्य है, जो टोटल 4 व्हीलर्स होते हैं 100 रुपीज़ गाइड का चार्ज होता है, और यहाँ से करीब 600 दूरी पर है, और टिकट काउंटर भी पास में ही है, और बुधवार ये हाफ डे में बंद रहेगा। पहुँच चुके हैं हम पांडव फॉल, ये पीछे ही है। इसके बारे में और डिटेल वीडियो में आगे जानते हैं, बाकी मैं इसके व्यूज़ आपको तो दिखा देता हूँ। Thank you.
यहाँ से एक बढ़िया व्यू मिलता है फॉल का। क्लोजअप में दिखाता हूँ, ये देखिए। और जस्ट अपोजिट में यहाँ पांडव फॉल्स जो गुफाएं हैं, केव, इसके नाम पे ये जगह है पांडव, जो अज्ञातवास में उन्होंने कुछ समय अपने यहाँ पे व्यतीत किया था। और ये कुंड देखिए बना हुआ है। आइए गुफाओं को भी अंदर से देखते हैं। तो देखिए अब हम आ चुके हैं केव्स के अंदर, कुछ ऐसी दिखती है केव्स अंदर से। ये देखिए यही सब केव्स हैं, कुछ ऐसी दिखती है ये अंदर से। बाहर से ये दिख रहा है पांडव फॉल्स, वो फॉल जो है पीछे की तरफ पर है। पहुँच गए पांडव फॉल्स, ये पीछे आपको फॉल दिख रहा है, इसके नाम पे इस जगह का नाम पड़ा है पांडव फॉल्स। और ये जो गुफाएं दिख रही है आपको, वहाँ लिखा भी हुआ पांडव गुफाएं। तो ये जो गुफाएं हैं, यहाँ पे पांडवों ने अपना अज्ञातवास काटा था, इसीलिए इन गुफाओं का नाम पांडव गुफाएं हैं। और ये थोड़ा काफ़ी ज़्यादा अंदर हैं। अज्ञातवास का मतलब ये होता है कि कोई उन्हें देख लेता, पहचान जाता, उन्हें 14 वर्ष का वनवास दोबारा से काटना पड़ता, इसीलिए काफ़ी अंदर हैं। और वो सीढ़ियाँ देखिए, करीब 75 सीढ़ियाँ हैं और करीब 100-150 फीट ऊंचाई से नीचे आना पड़ता है। वो जो आपको दिख रहे हैं सारी चीज़ें, वहाँ से नीचे चल के आना होता, देखिए सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। और वो सब सीढ़ियाँ मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने आपको दिखा भी दी है। तो आपको यहाँ आना है। और देखिए जो यहाँ पे गुफाएं बनी हुई हैं, यहाँ पे पानी का झरना भी है, तो अगर कभी आप आते हैं तो ध्यान दें, यहाँ पे फिसलन बहुत ज़्यादा है, वहाँ लिखा भी हुआ है। बाकी कुछ ऐसा एक स्ट्रक्चर देखिए बना हुआ है ऊपर से कटआउट, और पानी वगैरह बिस्तर रहता है ऊपर से। तो बेसिकली यही यहाँ का अट्रैक्शन पॉइंट है। और यहाँ आने के लिए आपको एंट्री फीस देनी होती है, अगर आप पैदल हैं तो 25 रुपीज़, अगर आप बाइक से हैं तो 50 रुपीज़ फॉर 2 पीपल, और अगर आप कार से आते हैं तो अप टू 4 पीपल है, और उससे किराया भी 100 रुपीज़ है। यही सब यहाँ का है। बाकी ये देखिए सारी केव्स ऐसी हैं, काफ़ी पुरानी और जीर्णोशीर्ण हो चुकी हैं, गवर्नमेंट इनका ध्यान बिल्कुल भी नहीं दे रही है। और गवर्नमेंट को चाहिए कि इनका नवीनीकरण करा जाए, इनसे कुछ पैसे खर्चे, क्योंकि हमसे एंट्री टिकट ली जाती है। तो गवर्नमेंट बहुत ढीली इस चीज़ का काम कर रही है। तो मैं सिर्फ इसी वीडियो के माध्यम संदेश देना चाहूँगा कि अगर आप पैसा लेते हैं तो ये हमारी पुरानी चीज़ें हैं, पौराणिक चीज़ें हैं, इनका आपको नवीनीकरण जरूर करना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें हमारी धरोहर हैं, हमारी नेशनल हेरिटेज हैं, और काफ़ी चीज़ें पुरानी। अब हम आ चुके हैं पांडव फॉल्स, ये आप देख सकते हैं हमारे सामने पांडव फॉल का कितना बेहतरीन नज़ारा है। और वो आप ऊपर देख रहे हैं सीढ़ी का जो रास्ता बना है, लगभग 75 सीढ़ियाँ हैं, उनसे चढ़ के हम नीचे आए हैं। और वो रास्ता वहाँ से जाके और वहाँ तक जाता है, और वहाँ से फिर पैदल चल के अपन आते हैं। और ये पांडव गुफाएँ हैं, ये पांडव गुफाएँ जो कि लिखा हुआ है। और ये ऊपर से झरना टाइप का बह रहा है, इस तरह से बारिश टाइप की हो रही है, क्योंकि पहाड़ों में कई क्षेत्र हैं उनसे गिर रहा है पानी। और यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि फिसलन युक्त क्षेत्र, कि आप यहाँ पर फिसल सकते हैं। और पांडव गुफाएं इसके अंदर एक काफ़ी छोटी छोटी गुफाएं भी हैं, बड़ी गुफाएं भी हैं, और अंदर एक तलघर भी है जो कि बंद रहता है, वो भी है। आप देख सकते हैं इस साइड तक गुफाएं हैं, लेकिन ये गुफाएं जो है बंद हो गई है, समय के साथ उनमें अंदर जाने का रास्ता ख़त्म हो गया है। बाहर ही खड़े होकर लोग फोटो वगैरह खिंचाते हैं और लुत्फ उठाते हैं, लेकिन सरकार ने जो है इस चीज़ पर कोई ध्यान नहीं दिया है, और कोई ना सरकार ने इसको इम्प्रूवमेंट किया, रेनोवेशन किया। हम लोगों से चेक लिया जाता है, टिकट लिया जाता है, लेकिन यहाँ पर कोई रेनोवेशन नहीं है। हाँ, मिनिस्टर ऑफ टूरिज्म के को मैं कहना चाहूँगा कि इसको कुछ रिनोवेट करें, कुछ डेवलप करें, जैसे कि अच्छी चीज़ हो जाए। ये बहुत एक भारतीय संस्कृति के लिए बहुत अच्छी चीज़ है, और पांडवों के द्वारा यहाँ पर आया गया था कि हमेशा याद रखा जाए, ऐसा इसको बनाया जाए। जैसा कि आपको पता होगा, पांडवों को 14 वर्ष का वनवास मिला था, तो पांडवों ने अपना वनवास में अज्ञातवास का जो वर्ष है यहीं पर बिताया था। और अज्ञातवास का मतलब ये था कि किसी को पता ना लग जाए, अगर पता लग जाता तो उनको दोबारा 14 वर्ष का वनवास बिताना पड़ता। इसलिए उन्होंने इन गुफाओं में छुप के, इस जगह काफ़ी अंदर इंटीरियर में कोई जानता नहीं है, यहीं पर उन्होंने बिताया था। और ये देख सकते हैं अभी गुफाएं कितनी छोटी हैं। ये वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद। आपको वीडियो पसंद आओ तो लाइक और शेयर करें। आपको कोई सवाल और सुझाव हो तो उनसे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और ऐसे ही ट्रैवल और फूड वीडियो से जुड़े रहने के लिए इंडियन ट्रैवल को सब्सक्राइब करिए, और छोटा सा बेल आइकन भी है ताकि जब भी वीडियो पोस्ट करूँ आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। और स्टे ट्यून्ड, मैं आप सबके ऐसे वीडियो लेकर आता रहता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।